मैंने कभी भी कोई डॉग शो में या कोई भी ऐसे कहीं भी डॉग शो बाई आइस है, इसको बाई आइस बोलते हैं, बिना समझे बहुत कुछ कह देते हैं। आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फिट्स प्लाजा। जैसे कि बहुत दिन से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कोलकाता के हर एक ब्रीडर के पास आपको लेके जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं उनका फार्म, उनके कैनल विजिट कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। तो जैसे कि बहुत लोग पपीज लेने से पहले, एक अच्छे पपीज लेने से पहले नॉर्थ जाते हैं, इंडिया के नॉर्थ या साउथ में जाते हैं, कोलकाता के ब्रीडर के बारे में काफी कम लोग को पता है या बहुत कम एक्सपोज हो चुके हैं, एक्सपोज होते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ब्रीडर के पास आया हूं जो कि एक ऐसा रेयर ब्रीड रखे हैं उनके पास, हस्की है प्लस अलास्कन मेलाम्यूट है, जो कि बहुत रेयर ब्रीड है, बहुत लोग कम जानते हैं और जो कोलकाता के ब्रीडर है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो वीडियो को बहुत बहुत देखें, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा कि बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि एक ब्रीडर, एक डॉग लवर को जानना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं या बहुत सारे ऐसे बहुत मतलब डाइट क्या मेंटेन आप किया जाता है, पूरा डाइट का चार्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और डॉग्स भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं सर के पास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे जो चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके साथ एक बेल आइकॉन भी अपीयर हो जाए कि आप ऑल करके क्लिक कर दे, जितने भी वीडियो अपलोड करो यूट्यूब चैनल में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो और सर से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल चौधरी और हमारा कैनल का नाम है शॉर्ट फेस वुल्स कैनल। हमारा कैनल रजिस्टर्ड है अंडर KCI। ये मेरा बेटा ऋषभ और ये रहीम। रहीम इज द बैकबोन ऑफ दी कैनल। हमारे पास फिलहाल 6 डॉग्स हैं, जिनमें 4 अलास्कन मालामूट और 2 साइबेरियन हस्की। बचपन से हम लोग पले बड़े हैं इन पेट्स के साथ, जिनको हम 4 लेगेट्स बोलते हैं, हम उनको डॉग्स बोलना पसंद नहीं करते हैं। 2017 में हमने पहला साइबेरियन हस्की लिया आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, बिकॉज नेट के ऊपर में हमने पढ़ा कि देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी कि 24 आवर्स एसी में रखना पड़ता है। आफ्टर रिसर्च हमने जब देखा कि इट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। कोलकाता जैसे शहर में ह्यूमिडिटी इज द प्रॉब्लम, ग्रूमिंग नहीं अगर करेंगे तो डेफिनेटली द डॉग विल फील हॉट। अलास्किन का भी सेम, जैसे बोला बचपन से हम बड़े हुए हैं 4 लेगेट्स के साथ। हमारा फर्स्ट डॉग जो था वो था डैशन, कॉकर स्पैनियल, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, GSD। बट लास्ट में मैं जब साइबेरियन हस्की लेके आया, मेरा ब्रीडिंग का कोई इंटेंशन नहीं था। जब हमने देखा कि मार्केट में जिस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है, तब मैंने सोचा कि मैं ब्रीडर बनता टू मेक अ डिफरेंस। मेरा जो बैकग्राउंड है वो एयरलाइंस का बैकग्राउंड है, मेरा बेटा जो है बिजनेस करता है एंड ये प्रोफेशन में जो हम उतरे हैं इट इज टू मेक अ डिफरेंस। इनकी कमाई से हमारा घर नहीं चलता, इनकी कमाई को हम सेव करके रखते हैं सो दैट जब ये रिटायर करें तो इनका देख रेख हम कर सकें। आइए अब हम आपको पहले अपने अलास्कन मालामूट्स इंट्रोड्यूस करते हैं और बाद में साइबेरियन हस्कीज़। अब आपको सर के जो फर्स्ट डॉग है जो मेल है रुस्तम, उसके उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप साइज देखो, मतलब जस्ट वाओ, मतलब ऐसा साइज और ऐसा डॉग मैंने फर्स्ट टाइम कोलकाता में देखा है। मैंने कभी भी कोई डॉग शो में या कोई भी ऐसे मतलब कहीं भी डॉग शो या कोई ब्रीडर के पास नहीं देखा। मतलब कोलकाता के वन एंड ओनली एक ऐसे ब्रीडर है राहुल सर, जो उनके पास अलास्कन मेलाम्यूट के डॉग्स फीमेल्स वो भी 4 है, मतलब 1 मेल 3 फीमेल। तो सर इस ब्रीड के बारे में थोड़ा बताइएगा व्यूअर्स को, जैसे कि व्यूअर्स जान सके इस ब्रीड के बारे में और कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है इस वेदर में या कैसे आप इसको रखते हो, तो आप इस ब्रीड के बारे में पहले इसका नाम बताइए। पहले इसके बारे में बताता हूँ, इसका नाम है रुस्तम, ये है अराउंड 4.5 ईयर्स ओल्ड। ये हमारे पास आया है एज अ रेस्क्यू,
मतलब इसके जो प्रीवियस ओनर्स थे ये इसको ठीक से संभाल के नहीं रख पाते थे, उन लोग इसको नेग्लेक्ट करते थे, जिसके कारण इसका फर एकदम मैटेड था, इसके बॉडी में फ्लीज भर के थे, बहुत गंदा था। तो हम इसको लिए हैं, रेस्क्यू किए हैं, हम इसको क्लीन किए हैं, इसका देखभाल किए हैं, और दुबला पतला सा था, इसका वेट बढ़ाए हैं, ये अब बहुत हेल्दी एंड हैप्पी है हमारे साथ। He's been with us for three and a half years. He's an Alaskan Malamute. और ये breed जो होता है, ये दिखने में husky जैसे होते हैं और लोगों को लगता है कि ये बड़े huskies होते हैं, but ये अपने अलग से एक breed होते हैं, completely different एक breed होते हैं। They are larger. इन लोगों का fur बहुत घना होता है। इन लोगों का fur भी आप देखेंगे बाद में जब आपको साइबेरियन हस्की दिखाएंगे तब आप इनका फर का डिफरेंस देख पाएंगे। इनका फर बहुत लंबा होता है, बहुत घना होता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो ब्रीड्स होते हैं अलास्कन मैलामूट्स एंड साइबेरियन हस्की, कि इन्हें हमारे इंडियन वेदर में बहुत तकलीफ होता है। ये हम बता सकते हैं फ्रॉम एक्सपीरियंस कि ये सही नहीं है। ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं हमारे इंडियन वेदर में। ये सब हमारे पास जो डॉग्स हैं, दे आर ऑल इंडियन बॉर्न, तो इन लोग सब एक्लेमेटाइज हो गए हैं इस वेदर से, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। इनका जो फर होता है, लोगों को देख के लगता है कि ये फर एक स्वेटर जैसा है, बट ये फर का डुअल क्वालिटी होता है। ये गर्मी में हीट ट्रैप नहीं करता है, और जब सर्दी का समय होता है तब इसे हीट ट्रैप करके रखता है। ये प्रॉब्लम हीट से नहीं होता है, मोस्टली होता है ह्यूमिडिटी से। और अगर इसे हम रेगुलरली ग्रूम करके रखें, इसे अच्छे से देखभाल करके रखें, तब उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। सर ने बोला कि ये रेस्क्यू डॉग है, इसको रेस्क्यू करके लाया है, बहुत हैप्पी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी हैप्पी है डॉग अपने न्यू फैमिली मेम्बर के साथ। और इनका जो कोट है, आप कोट देख सकते हो, काफ़ी मतलब मैं इनके कोट में हाथ डालूँ तो मैं इसके स्किन को नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब इसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, इतना इसका जो कोट डेंसिटी है। या अब इसका जो फर क्वालिटी आप देख सकते हो, जैसे कि ये क्वालिटी आपका डाइट के हिसाब से ही मेंटेन होता है। यदि आप अपने डॉग को डाइट अच्छा नहीं दे रहे हो, या आप अपने डॉग को अच्छा एक इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हो, इसका डाइट क्या चल रहा है, जैसे आप बोले अच्छे से डाइट, अच्छा अगर डाइट हम इसे ना खिलाए तब इसका फर बहुत थिन हो जाएगा, इसका फर का डेंसिटी कम हो जाएगा, ये बहुत दुबला हो जाएगा। तो बहुत अंडरवेट जब हो जाते हैं ना, तब इनका हेल्थ प्रॉब्लम बहुत आने लगता है। तो इन्हें हम बिलीव करते हैं सिर्फ एक प्रॉपर होम कुक डाइट खिलाने का। हमारा एक पेट न्यूट्रिशनिस्ट है, वन ऑफ द लीडिंग पेट न्यूट्रिशनिस्ट इन इंडिया, मिस आकर्षिका नारायण मिश्रा फ्रॉम गो फॉर रियल न्यूट्रिशन। वो हमें सब डॉग्स के लिए पर्सनलाइज डाइट चार्ट बनाती है। तो हम इसे जो डाइट खिलाते हैं वो कंसिस्ट करता है बोनलेस चिकन का एंड वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स का। वो एकदम परफेक्ट बैलेंस डाइट होता है, ताकि इसको जो डेली न्यूट्रिशन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, सब बैलेंस रहे, सब प्रॉपर रहे, इसके वेट के हिसाब से और इसके ब्रीड के हिसाब से। अब आपको सर के दूसरे डॉग दिखाता हूँ जो कि फीमेल है। सर इस डॉग के बारे में थोड़ा बताइएगा। इसका नाम है इना, ये है अराउंड 2 years old और ये फीमेल अलास्कन मैलामूट है, ग्रे एंड वाइट इसका फर है। तो सर जैसे कि हस्की में ऑड आईज, ब्लू आईज आते हैं, तो इसमें भी आते हैं क्या? नहीं, देखिए जो डेफिनेशन होता है इस ब्रीड का बाय द केनल अथॉरिटीज, तो अलास्कन मैलामूट का कभी ब्लू आईज नहीं होता है। अगर ब्लू आईज अलास्कन मैलामूट आपको कभी दिखे तो वो प्योर ब्रीड नहीं है। तो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि जैसे कि आप कोई भी अलास्कन मैलामूट, आपको कोई पपी सेल कर रहा है या कुछ भी, तो उस समय आप यदि ब्लू आईज देखो या ऑड वन आईज देखो तो समझ जाओ वो हस्की के साथ मिक्स ब्रीड है या आपको फ्रॉड किया जा रहा है। तो सर यदि कोई अलास्कन मैलामूट लेना चाहे आपसे,
तो आप क्या क्राइटेरिया होता है, जैसे कि कोई एक अच्छा होम, जो बहुत सारे ब्रीडर होते हैं वो बोलते हैं कि हम पहले घर देखेंगे या पपीज़ जहाँ पर जाएगा वो कैसा फैमिली है, वैसा क्राइटेरिया, तो वैसा कुछ क्राइटेरिया आपका होता है क्या? हाँ जी, हम कभी भी हम अपना पपीज़ किसी को भी देते हैं तो हम ऐसे रैंडम किसी को बिना बात किए, बिना उनसे मिले, बिना पता किए कि वो अपना पपी को कैसे रखेंगे, हम पता करते हैं कि वे पपी का ठीक से देखभाल कर पाएंगे कि नहीं, घर में लोग रहेंगे कि नहीं, कि पपी को अटेंशन दे पाए, उससे खेले, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, क्योंकि इनको आप रास्ते के कुत्ते जैसे अगर आप खाना खिलाएंगे, आप दाल चावल खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, तो इनके हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, तो इसे प्रॉपर केयर करना पड़ता है, प्रॉपर इनको खाना खिलाना पड़ता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि प्रॉपर फैमिली में हमेशा जाना चाहिए जो इन्हें ठीक से एक्सरसाइज भी दे पाए, क्योंकि ये वाले जो डॉग ब्रीड्स होते हैं बहुत हाई एनर्जी वाले होते हैं, बहुत एक्साइटेबल होते हैं, तो इन्हें रेगुलरली एवरी डे वॉक करवाना पड़ता है, एवरी डे इन्हें एक्सरसाइज देना पड़ता है, एंड ये भी है कि इनको वीक में एटलीस्ट 2 times ग्रूमिंग करना पड़ता है, ताकि करते हैं तो जो डेड फर होता है वो निकल जाता है, उससे क्या होता है कि एयर सर्कुलेशन इनके फर में जो इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है वो इंप्रूव हो जाता है, वो बेटर हो जाता है, और इन्हें फिर गर्मी में उतना दिक्कत नहीं होता है, और क्या होता है फिर ह्यूमिडिटी में इनको फिर डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता है, अगर रेगुलर ग्रूमिंग करें एटलीस्ट 2 times a week हम रेकमेंड करते हैं। तो जैसे कि सर हस्की में होते हैं 2 coat पाए जाते हैं, एक लॉन्ग कोट, जैसे नॉर्मली हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो लॉन्ग कोट आता है, एक नॉर्मल कोट आता है, तो इस ब्रीड में भी ऐसा होता है क्या? नहीं, इनका एक ही टाइप होता है, इनका यही सेम लॉन्ग डबल कोट टाइप होता है जो बहुत घना होता है, तो इसमें हम आपको दिखाएंगे डिफरेंट कोट्स के फॉर अलास्कन मैलामुट। तो जैसे कि आपने अभी इसके आगे मेल दिखाया रुस्तम, तो उसका जो कोट का क्वालिटी था वो काफ़ी डेंसिटी ज़्यादा था, बड़े साइज में था, प्लस वो बड़ा था, तो ये फीमेल में ये कम है या फीमेल स्टेडिंग करती है क्या? है फीमेल थोड़े छोटे होते हैं कंपेयर टू द मेल्स, मेल जैसे रुस्तम आप देखें वो होता है स्टैंडर्ड से, और ये इसको जो आप देख रहे हैं ये होते हैं स्टैंडर्ड फीमेल का साइज, और इसके बारे में स्पेशल है ये अभी प्रेगनेंट है, ये अराउंड 50-152 डेज प्रेग्नेंट है, अभी एक्सपेक्ट करती है सुन बच्चा देगी, और सब जो डॉग्स हमारे होते हैं घर पे ही डिलीवरी देते हैं, कोई सी सेक्शन हम नहीं करवाते, नेचुरल सब कंडक्ट होता है। तो सर को पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि उनकी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, मुझे ये वीडियो बनाने से पहले पता नहीं था, तो अभी खुद पता चला है, तो मेरे ख्याल से होपफुली अच्छे हेल्दी पपी देंगे, तो इसका जो फादर होगा वो रुस्तम ही है? हाँ, इसका फादर रुस्तम ही है। तो ये सर आप तो जैसे कि फीमेल मेल एक साथ रखते हो, तो ये क्या नेचुरल मीटिंग किया कि खुद आपने मीटिंग, जैसे नॉर्मली हम लोग मीटिंग करवाते हैं वैसे आपने करवाया? हम इसका फोर्सफुल ब्रीडिंग नहीं करवाते हैं, हम इन्हें नेचुरल ब्रीडिंग ही करने देते हैं, इनका फीमेल्स का जब साइकिल आता है, जब टाइम आता है, तब हम इन्हें मेल के साथ एक रूम में छोड़ देते हैं और इन्हें जस्ट मॉनिटर करते हैं। तो सर का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे कि फोर्सफुली मीटिंग, बहुत लोग बोलते हैं कि फोर्सफुली मीटिंग नहीं करवाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट इनके पास मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है, इस वजह से ये क्या करते हैं अपने घर पे एक अलग रूम पे जब इनका साइकिल होना होता है, साइकिल होता है, तो उनके बाद ये अपना एक अलग रूम में छोड़ देते हैं, वहाँ पर ये अपने खुद से मीटिंग कर लेते हैं। जैसे कि सर ने आगे बोला था इनके ब्रीडिंग के लिए इनका घर नहीं चलता है, तो यदि प्रेग्नेंट हुई तो बहुत अच्छा, और नहीं प्रेग्नेंट हुई तो बहुत अच्छा। तो अब इनका दिखाते सर, कितने दिन का प्रेग्नेंट है ये फीमेल आपकी? अराउंड 50-51 days, 52 days, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, ना कोई एग्रेशन है, मैं इनके लिए न्यू हूँ, तो कोई ना एग्रेशन दिखाया अभी तक ना कुछ, बहुत प्यारा फीमेल है और बहुत अच्छा ब्रीड, मैंने इस ब्रीड से पहली बार मिल रहा हूँ, तो ये ब्रीड मुझे स्पेशली बहुत प्यारा लगा। जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी देर से, तो इनका गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑफ है, एसी ऑफ है,
तो इस वजह से जो गर्मी लग रही है, तो इसीलिए अब इस फीमेल को रखते हैं। अब आपको दूसरे फीमेल जो दिखाते हैं, वो सर का जो दूसरा ब्रीडिंग का फीमेल, वो के जो थर्ड डॉग है जो कि फीमेल है ब्लैक एंड वाइट कलर में, वो आपको दिखाता हूँ। सर इस डॉग के बारे में बताइएगा, इसका क्या नाम है पहले ही बताइए। इसका नाम है मीको, ये है ऑलमोस्ट 2 इयर्स ओल्ड, ये ब्लैक एंड वाइट, आप जैसे देख पर ब्लैक एंड वाइट फॉर अलास्कन मालूम होते हैं। ये हमारे घर में जब आई थी तब ये सबसे शांत थी, और अब आप इसको देखेंगे जितने बड़ी ओड़ी है उतना नौटंकी करना स्टार्ट करती है, बहुत शैतान है, इतनी एक्साइटेबल है, इतने एनर्जी होते हैं ये डॉग्स में। वही हम बोलते हैं अलास्कन मैलमोट जो ब्रीड है और साइबेरियन हस्की ब्रीड भी जो है, इनमें इतना एनर्जी होता है कि इन्हें रेगुलरली वॉक करवाना ही पड़ता है। तो हेल्थ के लिए आप क्या करते हो? देखिए हम जो करते हैं डेली, इन्हें हम नीचे हमारे कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं, हम अपने कॉम्प्लेक्स में इनको घुमाते हैं, बाहर हम ले जाने से अवॉइड करते हैं रास्ते में, क्योंकि रास्ते के जो कुत्ते होते हैं, रास्ते में जो इंसेक्ट्स होते हैं, बग्स होते हैं, वो सब इनके बॉडी में लग सकता है, तो वो थोड़ा हार्मफुल होता है, तो उनसे हम अवॉइड करते हैं। या फिर अगर पार्क में ले जाए तो हमारे घर के पास एक वेट शॉप है जहाँ एक अटैच पार्क है, वहाँ हम इन्हें घुमाते हैं अगर कोई आउटडोर एरिया वैसा चाहिए हो। तो जैसे कि हर एक डॉग लवर हो या डॉग पालन हो, जो पालते हैं डॉग को, तो उनको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको टिक्स। तो जैसे कि ये बहुत फर वाले डॉग है, बहुत फर होता है, इसका जो कोट होता है काफ़ी डेंसिटी वाला होता है, जैसे कि मैंने हाथ डाला तो स्किन भी मैं टच नहीं कर पा रहा था, इतने फर या डेंसिटी इनका होता है, तो इनको टिक्स हो जाते, तो आप कैसे मेंटेन करते हो इनको? देखिए टिक्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इमीडिएटली आपको दिखेगा नहीं इनके फर में, इनका फर इतना घना होता है, टिक्स अंदर बैठ जाता है, आपको दिखेगा नहीं। तो जैसे टिक्स के बारे में बोल रहे हैं, तो इन्हें अगर आप रेगुलरली ग्रूम करें तब आपको ऑब्वियसली टिक्स सब पता चलेगा, क्योंकि देखने से तो पता नहीं चलता है, तो आप ग्रूम करेंगे ट्वाइस अ वीक एटलीस्ट, तो इससे आपको हमेशा पता चल जाएगा कि इन्हें टिक्स है कि नहीं। और अब जब इन्हें प्यार करते हैं तब सिर्फ हेड में ऐसे ऐसे से मत कीजिए, तब आप पूरा बॉडी में ऐसे ऐसे जब करेंगे, पूरा बॉडी को जब आप स्क्रैच करेंगे, रब करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन्हें टिक्स हुआ है कि नहीं। सर बहुत ही इजी होता है, लोगों को लगता है ये बहुत बड़े डॉग्स हैं, इनमें बहुत फर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्रूमिंग होगा, बट वैसे कोई बात नहीं है। इन्हें आप जस्ट ट्वाइस अ वीक, जैसे हम बोलते हैं 10-15 मिनट्स मैक्सिमम पर ग्रूमिंग सेशन, लंबा सा एक कॉम होता है, आप उसे जस्ट लेकर ग्रूम कर सकते हैं। तो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, जैसे कि बहुत लोग बिना देखे बिना समझे बहुत कुछ कह देते हैं कि इनको टिक्स के लिए या प्रॉब्लम होता है। जैसे कि अब मैं आपको ग्रूमिंग का कुछ किट्स दिखाता हूँ, जैसे कि आप इस किट से आप अपने डॉग को या जो फर वाले लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड बोलो, हस्की बोलो, गोल्डन रिट्रीवर बोलो, मैलाम्यूट बोलो, इस टाइप के आप इक्विपमेंट से या ब्रश से आप अपने डॉग को इस टाइप से, तो सर आप इसके ग्रूमिंग सेक्शन के लिए किसी को आप रखे हो या खुद भी अपने घर पे कर लेते हो? हम अपने घर पे ही करते हैं, और हमारे जो रहीम है वो भी हमें हेल्प करते हैं ये ग्रूमिंग में, बट सब हमारे घर पे ही होता है। तो अब सर के दूसरे डॉग दिखाता हूँ जो लास्ट शायद फीमेल है, उस फीमेल को मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बहुत प्यारी है। और जैसे कि सर एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कौन कौन से कलर में मैलाम्यूट पाए जाते हैं? एक तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, और इसके पहले भी आप देखें ग्रे एंड व्हाइट और कॉपर एंड व्हाइट, तो ये होते हैं डिफरेंट कलर्स। मतलब तीन स्पेशली तीन आपको, ठीक है। तो अब आपको सर के दूसरे डॉग दिखाता हूँ मैं। अब आपको सर के जो फोर्थ डॉग है जो कि फीमेल है, जो 7 मंथ की है, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये 7 मंथ की पपी है, पपी स्टेज में भी है, साइज आप देख सकते हो एक हस्की से ही बड़ा हो चुका है साइज में। तो सर इसका क्या नाम है फीमेल की? इसका नाम है सारा, ये है, शी वाज बोर्न एंड ऑफ जनवरी, तो अभी शी इज 7 मंथ्स ओल्ड। ये भी है ब्लैक एंड व्हाइट अलास्कन मैलामोट फीमेल। तो सर ये आपकी ब्रीडिंग की है कि मतलब आपने ये परचेज किया था बाहर से? ये हम बाहर से लाए, हम घर में जो फीमेल रखते हैं ब्रीडिंग के लिए वो कभी हमारे पपीज नहीं होते, क्योंकि फिर वो मतलब रिटेन नहीं करते हो? रिटेन नहीं करते, हम बाहर से लेते ताकि वो जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास दिल्ली से आई है
और हमारे प्रीवियस जो पपी आप देख रहे हैं वो भी दिल्ली से आए हैं। तो सर आपने ये पपी स्टेज में लिया था, किस एज में इसे बाइक किया था? ये हमारे घर में जब आई थी शी वाज 3 3.5 मंथ्स ओल्ड। तो आप अपने डाइट में इसको ढाले हो कि जो ब्रीडर ने आपसे बताया उस डाइट में आपने इसे मेंटेन किया? हम अपने पेट न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस से जो डाइट चार्ट है वो फॉलो करते हैं, इसलिए हम सब अपने डॉग्स के लिए वही फॉलो करते हैं। तो सर के पास जो डाइट मेंटेन करते हैं वो डाइट का कुछ कुछ चार्ट, जैसे कि आप कुछ एक थोड़ा सा आप व्यूवर्स को बताइए, जैसे ए पपी स्टेज में, तो पपी स्टेज में आपने क्या क्या दिया इनसे, इसे क्या क्या चलता है? चिकन, चिकन का लिवर, चिकन का हार्ट, और उसके साथ मिक्स करता है डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट हर्ब्स, हल्दी रहता है, कोकोनट ऑयल रहता है, घी रहता है, तो ये सब होता है हमारे घर में ही कुक होता है, हम अपने ही यहीं लोकली सोर्स करते हैं सब इंग्रेडिएंट, तो ताकि इनके लिए सबसे बेस्ट हेल्दीएस्ट खाना हम इन्हें दे पाए। हम इन्हें दिन में एटलीस्ट 3 times खाना खिलाते हैं विद इवन गैप देकर, ताकि इन्हें कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना हो, इन्हें कोई ग्रोथ में भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपने प्रेग्नेंट फीमेल दिखाए थे इसके आगे, जो डॉग फीमेल थी, तो उनको क्या डाइट देते हैं, मतलब सेम डाइट चलता है कि उनमें कुछ डिफरेंस रहते हैं? जब हम हमें पता जब चलता है कि हमारी एक फीमेल प्रेग्नेंट है, तब हम उनका डाइट चेंज करते हैं, जस्ट क्वांटिटी में थोड़ा सा उसे क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ताकि उसको और उसके पपी के ग्रोथ में, जो पेट में पपी है उसके ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से। तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में क्या देते हैं, मल्टीविटामिन हो या हेयर के कोट कंडीशन के लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट आप क्या देते हैं इनको? हम इन्हें मल्टीविटामिन, मल्टी न्यूट्रिशन ये सप्लीमेंट्स देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स टैबलेट्स है, ये हम देते हैं हमारे साइबेरियन हस्कीज को, और ये हम देते हैं हमारे मेलामोट्स को, पेट्रोल न्यूट्रीरोल टैबलेट्स। तो ये जैसे है, ये नॉर्मल च्यूइंग टैबलेट होता है, ये ऐसे ही खा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम च्यूइंग टैबलेट होता है, च्यूइंग करके ये डॉग ने खा लिया फीमेल ने, तो इस तरह का। और जो थर्ड मेडिसिन है आपके पास? और ये है शेल कैन, ये ह्यूमन मेडिसिन होता है। ह्यूमन मेडिसिन भी हमारे जैसे वेट हमें सजेस्ट करते हैं वो हम खिला रहे हैं। अब आपको सर के जो हस्की है वो दिखाता हूँ, तो सर इस डॉग के बारे में बताइएगा थोड़ा। साइबेरियन हस्की में नॉर्मली 3 coats होते हैं, शॉर्ट कोट, प्लश कोट एंड वूली कोट। ये जो फीमेल है ये है वूली कोट हस्की। तो आपके पास कितने प्रकार के कोट है अवेलेबल, मतलब तो हमारे पास प्लश कोट एंड वूली कोट हस्की है। तो सर जो नए व्यूअर्स है, जो नए शौक है जो हस्की रखना चाहते हैं, तो कैसे पहचानेंगे इनको? देखिए शॉर्ट कोट तो जैसे हम आपको बताते हैं, हम आपको एक पिक्चर भेज देंगे, आप उसको अटैच कर दीजिएगा, उसी तरह और क्वालिटी आपको समझ आ जाएगा। शॉर्ट कोट क्या, वेरी शॉर्ट होता है, इट्स अ डबल कोट ऑफ कोर्स। प्लस कोट है, इससे स्लाइटली कम रहता है, अगर आप उंगलियां फेरेंगे यू विल अंडरस्टैंड दैट ये थोड़ा थिकनेस है फर में, बट इट इज नॉट शॉर्ट, बट इट इज नॉट एज लॉन्ग एज जैसे आपका उंगली हस्की। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कि जैसे कि कौन सा कोट अमेरिकन कैनल क्लब प्रीफर करता है अपने डॉग शो में, मतलब करवाते हैं जो शोज के लिए अवेलेबल होते हैं? वूली हस्की शोज इंटरनेशनल में एक्सेप्ट नहीं होता है, राइट? आपको किसी को हस्की चाहिए, द बेस्ट हस्की इज प्लस कोट। और एक्चुअल में अगर आप वूली हस्की देखें तो वूली हस्की इस टाइप का नहीं दिखता है। वूली हस्की इज स्लाइटली, जो जो प्लस कोट हस्की होता है उससे थोड़ा सा थिकर फर होता है, बट आप इसका जैसे कोट देख रहे हैं इट्स वेरी सिमिलर टू अलास्कन मालामूट। आप देखिए इसका कोट वेरी सिमिलर टू अलास्कन मालामूट, राइट? इसका कौन सा कलर का आईज है? इसका बाई आईज है, इसको बाई आईज बोलते हैं, वन इज ब्लू, वन इज ब्राउन और ब्लैक। तो सर यदि आपके पास आपके घर के ब्रीडिंग के पपीज हो हस्की के, तो कितने प्राइस में सेल करते हो, ऑलमोस्ट एक लमसम प्राइस आप बता सकते हैं? मैं पहले ये बता देता हूँ कि हम कभी भी 58 डेज से पहले पपी देते नहीं हैं, और पपी फैमिली के पास ऑप्शन रहता है, दे कैन पिक अप पपी एट 58 डेज, वन वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन जो होता है वो हम बेस्ट क्वालिटी देते हैं,
when it came max 11 and 1. और सर सेकंड ऑप्शन पपी ओनर के पास रहता है 65 डेज दो वैक्सीनेशंस. सो जो सेकंड वैक्सीनेशन होता है दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. तो फर्स्ट वैक्सीनेशन आप किस डेज में लगाते हो पपीज को? 42 to 45 डेज एंड सेकंड वैक्सीनेशन बिटवीन 63 टू 65 डेज. मतलब 21 का गैप रहता है. 21 डेज गैप यू हैव टू मेंटेन 21 डेज गैप. डिवर्मिंग जैसा रिक्वायर्ड है वैसा रिक्वायर्ड. तो सर जैसे कि आपको आपने इसके आगे बोला आपके पास दो हस्की है जो कि फीमेल है, तो आप मीटिंग के लिए मेल आप कहाँ जाते हो, मतलब कैसा क्वालिटी आप ढूंढते हो, या सेम टाइम आप कहाँ से ढूंढते हो, या ब्लड लाइन आप देखते हो, तो कैसा थोड़ा व्यूवर्स को ये बताइएगा कि यदि कोई अपने फीमेल के लिए हस्की का मेल चाहिए तो कैसा ढूंढना चाहिए, मतलब फीमेल से आप क्वालिटी में हो या ब्लड लाइन आप देखते हो या आप उसको देखिए. नंबर वन क्योंकि हम बाहर का डॉग यूज करते हैं फॉर मीटिंग, सो हमको वहाँ पे कम से कम 3-4 दिन जाना पड़ता है एंड वी माइट हम लोग को करीब आधा घंटा से 1 घंटा बैठना पड़ता है. और उसका कारण ये है कि डॉग का टेम्परमेंट चेक करना होता है. डॉग का टेम्परमेंट कैसा है, अगर फ्रेंडली है एंड काम है इट्स ऑल राइट, अगर थोड़ा सा भी एग्रेसिवनेस होता है वी मूव आउट. बिकॉज वी डोंट वॉन्ट, हमको ये नहीं चाहिए कि हमारे पपीज में कुछ ऐसे जीन्स आए जहाँ पे पपीज अग्रेसिव हो सके. नंबर टू, यस डॉक्यूमेंट्स देखना जरूरी है, बट हमारे इंडिया में तो खैर समझ में नहीं आता डॉक्यूमेंटेशन. और उसका जो प्रोजनी होता है, जो उसका पपीज प्रोडक्शन होता है, वो आप चेक करते हो कि उसका, जैसे कि बहुत सारे डॉग होते हैं खुद खूबसूरत होते हैं बट उतना अच्छा पपीज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, या बहुत अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, तो वो चीज़ आप फॉलो करते हो? नहीं, डेफिनेटली जब हम सायर या स्टड को यूज करते हैं वी लुक एट द हाइट एंड टेम्परमेंट, तो मैंने आपको बता ही दिया है. और जो सायर या स्टड ओनर है उनसे हम कम से कम एक यूरिन रिपोर्ट मांगते हैं. यूरिन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए स्टड में बिकॉज उससे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं. तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बहुत नॉलेजफुल वीडियो था अबाउट हस्की के बारे में, अलास्कन मैलाम्यूट के बारे में. तो होप आप जब हमारे यहाँ आते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको हम बताना चाहते हैं. पपी का डेस्टिनी हमको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम. भगवान ना करे 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी अगर पपी को कुछ हो जाता है, हम जब भी नेक्स्ट ब्रीडिंग करते हैं हम एक पपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं. होपफुली आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे. तो सर यदि आपको कोई से कॉन्टैक्ट करना चाहे, कोई व्यूवर्स कॉन्टैक्ट करना चाहिए वीडियो के माध्यम से, ऐसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो किस प्रकार से आप कॉन्टैक्ट कर पाएगा आपको? आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.shortfacedbullskennel.com. फेसबुक है SFW Kennels एंड हमारा फोन नंबर है 801-703-6777, ऑल्टरनेट नंबर 700-358-5861. तो सर को कांटेक्ट करें ऐसे क्वालिटी पपीज़ के लिए, सर का नंबर आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूं मैं. बट आप सर को परेशान ना करें कि 10,000 के पपीज़ चाहिए, 20,000 के पपीज़ चाहिए. यदि आपको क्वालिटी पपीज़ चाहिए, एक क्वालिटी पपी लेना है आपको, तो सर को कांटेक्ट करें. तो सर एक एस्टिमेट क्या प्राइस होता है हस्की के पपीज़ के लिए, जो आपके घर के ब्रीडिंग के बच्चे हो और आपका मैलाम्यूट का? मैलाम्यूट हमारे यहाँ प्राइस रहते हैं 1,75,000 विद KCI एंड साइबेरियन हस्की एट 65. तो आप KCI. तो आपका इतना बजट हो एक क्वालिटी डॉग लेना चाहे तो आप सर को कांटेक्ट करें. सर का आप एड्रेस बता दीजिएगा सर अपना. हमारा एड्रेस है CC22 फ्लैट नंबर 5A न्यू टाउन एक्शन एरिया 1C कोलकाता 156. सर को आप कॉल करें, सर आपको पिक कर लेंगे. तो होपफुली वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. तो अभी के लिए इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड.